हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाभी जो है तैयार होके कहाँ जा रही हैं और दीदी भी घर पे आई हुई हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो मम्मी को लखनऊ दिखाना था। तो हम लोग दीदी के साथ लखनऊ जा रहे हैं और दीदी और जानवी डांस कर रही हैं क्योंकि म्यूजिक बज रहा था, और चाची लेके हमारी खड़ी हुई हैं। सभी लोग छोड़ने आए थे मम्मी मम्मी को, चाची जो है, पापा और दादी, मतलब सभी लोग आए थे। तो चलो हम आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो जानवी मस्ती कर रही थी और पापा बैठे हुए हैं और मम्मी है, प्रत्यूष है दीदी का लड़का। तो सभी लोग मस्ती कर रहे थे। तो यहाँ स्कूल की छुट्टी हो गई थी, मंटू भी मिले हुए थे, और इसके बाद सब इंजॉय कर रहे थे। इतनी मस्ती कि मैं क्या बताऊँ। तो चलो आप लोग भी इंजॉय कीजिए बच्चों के साथ। पेट्रोल पंप के पास उतर गए थे क्योंकि उनको नहीं आना था लखनऊ। तो हम लोग लखनऊ दीदी के साथ ही जा रहे हैं। तो अभी हम इस टाइम जो है चादा पहुँचे हुए हैं। तो मैंने जब हरे भरे बगीचे देखती हूँ तो मेरा मन करता है कि क्यों ना मैं इसे रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मुझे बगीचे हरे हरे जो होते हैं ना, मुझे बहुत ही पसंद होते हैं। तो मैं सोचती हूँ मैं आप लोगों को भी दिखाऊँ। तो चलो आप लोग भी इंजॉय कीजिए। सारे रास्ते जो है जानवी और प्रत्यूष मस्ती कर रहे थे। अब जानवी जो है प्रत्यूष को बिस्किट खिला रही है, आप लोग देखो, और इतना परेशान कर रही थी, इतना परेशान कर रहे हैं दोनों, मैं क्या बताऊं। कोई आगे कोई पीछे, कोई आगे कोई पीछे। एक बार प्रत्यूष आगे जाते हैं, फिर जानवी रोने लगती कि मैं भी जाऊंगी प्रत्यूष के साथ। रहें तो साथ दोनों ही रहें, नहीं तो कोई ना रहे, दोनों ही आगे बैठे। अब बताइए, आगे तो जगह रहता ही नहीं। भैया गाड़ी चला रहे थे, उनको गुस्सा भी आ रही थी। दोस्तों, अब हम इस टाइम जो है सुल्तानपुर पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हो, फिर देखोगे कैसे, बोर्ड तो लगा ही नहीं, हम बताएंगे तभी तो पता चलेगा क्या बोलते हैं। तो आप लोग देखिए, जो जानवी है वो सो के उठ गई है क्योंकि उन्हें भूख लगी थी तो रोने लगी। तो मैं इसे दूध पिला के फिर से सुला रही हूँ कि सो जाए, नहीं तो परेशान करना शुरू कर देगी। अब शाम हो चुकी है, शाम के 6:30 वो बज रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ढाबे पे पहुँचे हुए हैं। ये मेरे देवर हैं छोटे, और जानवी को जो है लेके खड़े हुए हैं। दीदी भी उतरी हुई हैं प्रत्यूष को लेके। रात सी हो गई, रात का टाइम हो गया, पता नहीं हम कहाँ पहुँचे हुए हैं, मुझे खुद ही मालूम नहीं है। तो दीदी बोल रही थी कि हम जो है लखनऊ के नज़दीक, मतलब आ गए, लखनऊ आ चुके हैं।
तो इस टाइम जहाँ वो लेते हैं ना, क्या बोलते हैं, ट्रोल का क्या कहते हैं, वही लेते हैं ना, तो ये वही जगह है जहाँ पे लिया जाता है पैसे, उसके बाद गाड़ी को पास होने देते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था देख के जो ये बना हुआ है, तो इस पे लिखा है बोर्ड पे भारतीय राष्ट्रीय, पता नहीं क्या लिखा है, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस समय हम लोग लिफ्ट में हैं, तो दीदी के रूम पे पहुंच चुके हैं, अब हम ऊपर जा रहे हैं। दोनों बच्चे सो के उठ चुके हैं और मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो आप लोग भी बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था देखने में कि जाह्नवी देखो कैसे ठुमक ठुमक के चल रही है। हम लोग दीदी के घर आ गए हैं, आप लोग देख सकते हो। तो हम डिनर कर रहे हैं क्योंकि इस रूम में तो घड़ी है नहीं, मुझे पता नहीं कितने बज रहे हैं, वैसे 10:30 बज रहे होंगे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं दीदी के यहाँ, आज मैं आई हूँ और जानवी हमारी देखो खेल रही है। ये देखो ने अपना ड्रेस जो है चेंज कर लिया है, मैं साड़ी पहन के आई थी तो दीदी ने मुझे सूट दिया पहनने के लिए। तो यहाँ पे मैं भोजन कर रही हूँ और जो है जीजा और शुभम भैया, मम्मी, दीदी सब हॉल में खा रहे हैं, तो मैं वहाँ पे नहीं खा रही हूँ, मैं अपने रूम में खा रही हूँ, जिस रूम में मैं रहती हूँ तो वहीं खा रही हूँ। मॉर्निंग बोलो सबसे, ए भैया उधर लगो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। हो गई है, जान भी मस्ती कर रही थी, अभी हम लोग ब्रश नहीं किए हैं, अभी अभी सो के उठे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। जान भी खूब खेल रही थी, लेकिन सुबह जैसे उठी वो सुस्त हो गई, क्योंकि उन्हें घर की याद आ रही थी और रो रो रही थी, जब से उठी है तभी से रो रही थी। हम उसे चुप करा रहे हैं क्योंकि घर पे इन्हें सब बहुत मानते थे, हमेशा टहलते रहते थे, तो उन लोगों की याद आ रही है दादा दादी की, तो इसीलिए जान भी परेशान हो गई है। जानवी चुप होने का नाम नहीं ले रही थी, तो मैंने खिड़की से जो है जानवी को दिखा रही थी कि ये देखो कितने सारे पेड़ हैं, यहाँ पे बच्चे खेलने आते हैं, क्योंकि ये पार्क है, पार्क टाइप में बना हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो और आप लोग भी एंजॉय कीजिए। हम लोग कहाँ आए हैं, किचन में। क्या खाओगी बताओ, क्या खाओगी? ये देखो देखो बाबू मेरा बिस्किट खाएगा। तो दोपहर का समय है, हम और दीदी मम्मी सब लंच करने बैठे हैं, दीदी अभी उनको थोड़ा सा काम था तो अभी वो थोड़ी देर बाद आएंगी, तो मम्मी यहाँ पे जानवी को खाना खिला रही हैं और जीजा जो है ऑफिस चले गए हैं और शुभम भैया भी कहीं गए होंगे, तो यहाँ पे सब फैमिली रूम में खाना खा रहे हैं, तो आप लोग देखिए और हम आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलते हैं। मुझे भेजा हुआ है आईलाइनर जो कि आसमानी कलर में है, और इसके बाद है ए अल्फ्स गुडनेस का सनस्क्रीन जो कि ए कॉलेज की क्वीन गर्ल भी लगा सकती हैं, कोई भी नुकसान नहीं करेगा फेस पे, आप अपने फेस पे आसानी से लगा सकती हो, ना तो इसमें कोई भी केमिकल ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे आपके फेस को नुकसान करेगा।
बात है गुड वाइब्स का ग्रीन क्ले स्क्रब, जो कि बहुत ही अच्छा स्क्रब है। ना तो इसमें सल्फेट है, ना पैराबीन है, प्योर नेचुरल प्रोडक्ट है। आप इसे आसानी से यूज कर सकते हो। ये आपके फेस पे कोई भी नुकसान नहीं करेगा। इसमें कोई भी ऐसी केमिकल चीज़ नहीं है, एकदम प्योर है। आप लोग इसे आराम से लगा सकते हो। अगर आपको लेना हो तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक करके ले लीजिए। क्योंकि इस समय पर्पल पे डिस्काउंट चल रहा है, आपको हाफ प्राइस में मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, फैमिली दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अब हम आप लोगों से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।